रात के खाने में मैं बनाने जा रही हूँ चंगेजी चिकन, खासकर हमारे बच्चों के डिमांड पे, जो खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में आसान है। चंगेजी चिकन देखिए बनके तैयार है। चंगेजी चिकन आप पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए। नमस्ते फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और गर्मी भी आ गई है तो अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। और आज रात के खाने में मैं बनाने जा रही हूँ चंगेजी चिकन, खासकर हमारे बच्चों के डिमांड पे, जो खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में आसान है। हालांकि ये बहुत अलग अलग तरीकों से बनती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, पर मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए आप लोग पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखिएगा कैसे बनाती हूँ मैं ये चंगेजी चिकन। तो चिकन बनाने के लिए मैं आ गई हूँ अपने नॉनवेज किचन में। मैंने अपने ब्लॉग में आपको बताया ही होगा कि एक छोटा सा, पीछे थोड़ी सी जगह थी हमारे घर में, तो यहाँ पे एक छोटा सा नॉनवेज किचन बनवाया हमने। और यहाँ देखिए, इन सब चीजों को आप इग्नोर कीजिएगा, बोलेगा किचन में क्या क्या रखा आप लोगों ने। तो सीढ़ी है और यहाँ राजवीर के कुछ छोटे छोटे जूते चप्पल है वो यहाँ रखे हुए हैं, कुछ सामान इधर भी है। तो हम लोग फैमिली में रहते हैं ना तो ऐसा ही होता है, सामान जहाँ हम लोग देखते हैं कि हाँ एडजस्ट हो जाएगा, चलो यहाँ रख दिया जाए, तो प्लीज आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये सब इधर ही रहता है। और यहाँ हम लोग इस चूल्हे पे बनाते हैं अपना नॉनवेज। तो देखिए ये चिकन मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, 1 kg चिकन है ये। और उसके बाद क्या करना है कि इसमें ना इस तरह से कट लगा लेना है, देखिए इस तरह से करके ऐसे कट लगा लेना है, 2-3 बार करके कट लगा लेना है सारे पीसेस में, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कट लगा लेना है। और इसके बाद कुछ मसाले मिला के इसको हम लोग कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ेंगे और फिर बाकी तैयारियां उधर जाके करेंगे। तो चलिए मिला लेते हैं इसमें क्या क्या मिलाना है हमें। चिकन में मिलाएंगे हम, देखिए 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, दोनों को मिला लिया है हमने, इसको डाल देना है। और मसाले भी अलग से रखते हैं हम लोग। तो ये है आपका काली मिर्च पाउडर, इसको इतना छोटा चम्मच है, देखिए इसे आधा चम्मच डाल रही हूं मैं। ये रहा हमारा जीरा पाउडर, छोटे चम्मच से 2 चम्मच। धनिया पाउडर, ये भी छोटे चम्मच से 2 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर है, इसको 1 चम्मच डालेंगे। और अगर आप लोग तीखा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे 2 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। चम्मच का साइज देखिए इतना छोटा है। और फिर डालेंगे इसमें हम लोग ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी 1 चम्मच है, इसको डाल देंगे। और ये है हमारा 1 नींबू का रस, इसको डाल देना है। और फिर इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि फिर ग्रेवी में तो डालना है हमें। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसको आधा घंटा के लिए हम लोग छोड़ देंगे ढक के। अब हम कर रहे हैं ग्रेवी की तैयारी। तो देखिए ये 5 टमाटर हैं पके हुए, इसको ले लेना है। और इसको हम लोग बॉयल करेंगे कुकर में डाल के, 1 सीटी तक बॉयल करना है। तो इसको देखिए बॉयल करने से पहले ना इसको इस तरह से दोनों तरफ से, सॉरी तीनों तरफ से, इसको इस तरह से ऐसे करके ऐसे चीरा लगा देना है चाकू से। और इसको हम लोग फिर बॉयल करेंगे, देखिए इस तरह से। और ये लगभग 20-25 काजू है, इसको गर्म पानी में फूलने डाल दिया था हमने, ये फूल गया है, तो इसको भी पीस के हम लोग पेस्ट बना लेंगे। ये 3 बड़े कटे हुए प्याज हैं, बड़े साइज के प्याज थे 3, उसको काट लिया है। फिर उसको हम लोग इस प्याज को चॉप कर लेंगे। हमारा प्याज चॉप हो गया है।
हमारा टमाटर भी बॉयल हो चुका है देखिए, और हमने कट लगाया था ना इसमें, तो देखिए कट लगाना से कितने आसानी से इसका छिलका निकल जाता है, इसीलिए इसको बॉयल करने के पहले ना हम लोग कट लगा देते हैं। अभी थोड़ा गर्म है ये, थोड़ा ठंडा होगा ना तो इसको भी चॉप कर लेंगे हम लोग चॉपर में। देखिए इसमें जो कट लगाए थे ना कितनी अच्छे से निकल रहा है छिलका बार बार मैं ये बोल रही हूँ, देखिए सारा छिलका इसका निकल जाता है। चलिए टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं। तो ग्रेवी की तैयारी हो चुकी है हमारी, ये टमाटर है अपना, ये प्याज है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये काजू का पेस्ट है। और प्याज को और टमाटर को हमने चॉप कर लिया, आपने देखा ही, और बाकी मसाले हम लोग बाद में मिलाएंगे। आधे घंटे के बाद हमारा चिकन तलने को तैयार है, देखिए सारे मसाले कितनी अच्छी तरह से इसमें मिल गए हैं। और यहाँ कढ़ाई में हमने डाला है 4 बड़े चम्मच सरसों तेल, और ये चिकन के जो पीसेज हैं इसको तल तल के हमें निकालना है। इसको तल लेते हैं और गैस का फ्लेम हमें तेज रखेंगे। गैस का फ्लेम तेज रखना है और ढक्कन से इसको ढक देंगे, और थोड़ी देर के बाद फिर पलट देंगे इसको, अच्छी तरह से तल जाएगा हमारा चिकन। तो 3 मिनट के बाद गैस का फ्लेम कम करके पलट देंगे हम लोग, सारे पीसेस को पलट देना है। और फिर 2-3 मिनट के लिए देखिए, और फिर 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, फिर हमारा भुना हुआ चिकन तैयार हो जाएगा। बच्चे इसे भी पसंद करते हैं, अगर बच्चे बोल रहे हैं कि भुना हुआ चिकन खाना है तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, धनिया पत्ता डाल दीजिए, बहुत पसंद से खाएंगे बच्चे लोग। गैस का फ्लेम तेज करके हम लोग 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 3 मिनट के बाद देखिए हमारा जो चिकन है वो भून के तैयार हो गया है, गैस का फ्लेम कम करेंगे हम लोग और इसको निकाल लेंगे। गैस चूल्हा का फ्लेम फिर हम लोग तेज करेंगे और जो बाकी पीसेस है उसको डाल देंगे और इसे भी उसी तरह भून के तैयार करेंगे। थोड़ा सा मसाला है इसमें तो बाकी सारे मसालों के साथ इसको मिला के हम लोग ग्रेवी बना लेंगे। तो हमारा चिकन भून के तैयार हो गया है देखिए, और कढ़ाई में अभी देखिए 4 चम्मच तेल डाला था हमने, 4 बड़े चम्मच, अब इतना तेल है, अब इसी तेल में हम लोग अपनी ग्रेवी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डालेंगे हम तेजपत्ता, तो तेजपत्ता बड़े बड़े थे 2, मैंने इसको तोड़ लिया है 4 टुकड़ों में, और इसको डालेंगे। गैस का फ्लेम तेज करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा चॉप किया हुआ प्याज है इसको डालेंगे, और इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारा प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, देखिए ब्राउन हो गया है, और फिर इसमें डालेंगे हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे अपना मसाला, तो मसालों में वही डालना है, 1 चम्मच से देखिए 2 चम्मच हल्दी, दो चम्मच मिर्ची पाउडर, और अगर आप लोग तीखा खाते हैं और बढ़ा के डालिए 3 चम्मच 4 चम्मच, और ये धनिया पाउडर जा रहा है 2 चम्मच, जीरा पाउडर ये भी 2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नहीं
एक चम्मच अपना गरम मसाला, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ज्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो मसाला और बढ़ा के डालिए। और हमारा जो बचा हुआ मसाला था, देखिए इसको भी पानी मिला के डाल देते हैं। इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनेंगे, 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है। 5 मिनट के बाद, 5 मिनट इस मसाले को भूनने के बाद जाएगा हमारा ये टमाटर का पेस्ट। फिर इसको भी हम लोग अच्छी तरह से 5 मिनट तक भूनेंगे। हमारा मसाला भी भून के तैयार हो गया है। देखिए चारों तरफ से तेल निकल रहा है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे हम लोग काजू का पेस्ट। ये जा रहा है हमारा काजू का पेस्ट। और ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम तेज ही रखना है, न कम करना है न मीडियम करना है। ये जो हमारा चंगेजी चिकन जो है वो तेज आंच पे ही बनेगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक मैंने अपना फ्लेम तेज ही रखा है, कम नहीं किया है न कभी मीडियम किया है। अब इस काजू पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिला के 2-3 मिनट तक हम लोग भून लेंगे इसको। हमारे सारे मसाले भून के हो गए हैं अच्छी तरह से तैयार। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये भुना हुआ चिकन और साथ में ही डालेंगे इसमें नमक। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि नमक हमने भुने हुए चिकन में भी डाला हुआ है, तो उसी के अनुसार स्वाद अनुसार हम लोग नमक डालेंगे। और अगर कम लगे तो बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कि अगर इसमें नमक तेज हो भी गया, मान लीजिए, तो आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, इसमें दूध भी डाल सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मैं बता रही हूँ आपको, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे क्योंकि चिकन जो हमारा है ना वो भुनने वक्त भी अच्छी तरह से पक गया है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे हम लोग। ज्यादा पतला नहीं करना है ग्रेवी इसका, ग्रेवी इसका हम लोग गाढ़ा ही रखेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मैं फिर बता रही हूँ गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है। लगभग 10 मिनट के बाद हमारा ये चंगेजी चिकन बनके तैयार है। और अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। तो ये तो मैं मार्केट से मंगवा कर रखती हूँ। और ऐसे आप लोग घर में जो दूध में मलाई होती है ना, उसको एक बर्तन में निकाल लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए और डाल सकते हैं। ये तो मैंने मार्केट से मंगवाया है, इसको डाल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच डालना है इसको। और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब लास्ट में डालेंगे हम इसमें अपना धनिया पत्ता जो पहले से ही काट के रखा हुआ है मैंने। गैस का फ्लेम पहले बंद कर देते हैं। और ये गया अपना कटा हुआ धनिया पत्ता। और बिल्कुल अलग तरह की, अलग स्वाद की हमारी ये चंगेजी चिकन देखिए बनके तैयार है। चंगेजी चिकन आप पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, राजू जैसा बोल रहा है। और बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। अब बच्चे तो बहुत खुश होंगे खाते हैं, तो जरूर बनाइएगा आप लोग। और तुमको अच्छा लगता है? हाँ। और फिर बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग। और प्लीज जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बोल रहे थे तो अच्छी तरह से। बाय कर दो। बाय एंड टेक केयर।